यह वीडियो साइंस क्लास नाइन चैप्टर थ्री का पार्ट सेवन है और अब हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स इसके पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़ा था और वहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को देखा था अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनीट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आ सकता है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसे बनते हैं तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग प्रकार के एलिमेंट के एटम्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड और कैसे ज्वाइन करते हैं डिफिनिट प्रपोर्शन में तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवेन इन टेबल थ्री पॉइंट फोर आप देख सकते हैं यहां कुछ उदाहरण दिया गया है जैसे कि वाटर का उदाहरण दिया गया है अमोनिया का उदाहरण दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण दिया गया है तो जैसे कि वाटर हो गया एच टू ओ तो आप देखें कि हाइड्रोजन के इसमें दो एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम है इसका मतलब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है अमोनिया है एनएच थ्री तो अमोनिया में नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल एक एटम है और हाइड्रोजन कितना एटम है तीन तो आपको इसको पहचानना होगा कि एक यदि मॉलिक्यूल हम लोग लिखते हैं तो उसमें एटम्स कितने होंगे तो इसमें टोटल एटम्स कितने हो गए तीन हो गए चलिए मैं कुछ लिखता हूं और आप इसको पहचानिए जैसे कि सी टू हो गया तो यह एक मॉलिक्यूल हो गया और एक मॉलिक्यूल में कार्बन का कितना आइटम हो गया बताइए वन और ऑक्सीजन का कितना आइटम हो गया टू इसी प्रकार से मैं लिखता हूं सी सिक्स ट्वेल्व ओ सिक्स तो कार्बन का कितना आइटम है छ एच का बारह ओ का कितना हो गया छे H2SO4 टू एस ओ फोर तो हाइड्रोजन का कितना आइटम है टू सल्फर का वन और ऑक्सीजन का चार इस प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूल को दिखा रहे हैं और उसमें प्रेजेंट एटम्स को दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग एटम्स जब आपस में मिलेंगे इसका मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जब आपस में मिलेंगे तो ये कंपाउंड का फॉर्म करेंगे या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्म करेंगे या फिर बोले तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो चलिए हम लोग अब यहां देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है यहां पर रेशियो बाय मास लिखा गया है तो सबसे पहले तो मास आपको समझना पड़ेगा जो कि आप आगे पढ़ेंगे उसके बाद रेशियो निकालना आप सीख जाएंगे जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको एटॉमिक मास याद करना है तो यदि आपको एटॉमिक मास याद रहेगा तो आप रेशियो भी निकाल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए एच है तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है दो और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको याद रखना है वन तो वन इंटू टू करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया एटॉमिक मास दो और ऑक्सीजन कितना हो गया सिक्सटीन और इसका यदि बाय मास रेशियो निकालेंगे तो हाइड्रोजन का रेशियो जब निकालेंगे तो वन इज टू क्या हो जाएगा ये एट तो ये देख सकते हैं आप यही वन इज टू एट लिखा हुआ है ठीक इसी प्रकार अमोनिया लिखेंगे एन एच थ्री नाइट्रोजन क्या हो गया फोर्टीन और हाइड्रोजन वन इंटू थ्री क्या हो गया थ्री तो इसका बायोमास रेशियो क्या हो गया फोर्टीन इज टू थ्री कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे CO2 टू कार्बन का होता है atomic mass 12, आपको याद करना है और ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन टू जा कितना हो गया थर्टी टू और इसका आप रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा थ्री इज टू एट तो यही आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक एक्टिविटी दिया गया है और यहां पर पूछा गया है कि टेबल 3.4 में जो मॉलिक्यूल का नाम दिया गया है और साथ ही इसके एलिमेंट्स का या फिर बोलें कि एटम्स का जो बाय मास रेशियो दिया गया है उसका उपयोग करना है और उसका यूज़ करके आपको बताना है कि जैसे कि एस हुआ तो इसमें हाइड्रोजन का जो एटम है या ऑक्सीजन का एटम है उसका क्या रेशियो है जैसे कि मैं पहले आपको आंसर ही बता देता हूँ कि एच टू ओ में हाइड्रोजन का जो रेशियो है वह है टू और ऑक्सीजन का एटम का जो रेशियो वह क्या है वन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम का रेशियो है टू और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो है वन ठीक इसी प्रकार से अमोनियम में एन एच थ्री में एन एच थ्री में नाइट्रोजन एटम का रेशियो है वन और हाइड्रोजन एटम का रेशियो क्या है थ्री और कार्बन डाइऑक्साइड में सी ओ टू में कार्बन का रेशियो क्या है वन कार्बन एटम का बोलें तो रेशियो क्या है वन और ऑक्सीजन एटम का रेशियो क्या है टू तो इसी को आपको निकालना है कि कैसे आप इस टेबल का यूज करके इन रेशियो को आप कैसे निकालेंगे कहने का मतलब यह है कि वाटर दिया गया है और उसका आपको रेशियो दिया गया है तो वाटर में जो हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है उसका रेशियो आपको निकालना है तो चलिए यहाँ पर देखिए एक एस का निकाल कर दिखाया गया तो इस प्रकार से आप टेबल बना लेंगे टेबल में सबसे पहला आप लिखेंगे एलिमेंट तो हम लोगों ने लिख लिया हाइड्रोजन और फिर क्या लिख दिया ऑक्सीजन रेशियो बाय मास तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का बाय मास रेशियो वन यहाँ से आप लिख लेंगे और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो क्या हो गया एट यहाँ से आप लिख लेंगे इसके बाद एटॉमिक मास आपको याद करके रखना है पहले ही से तो आप देखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट में हाइड्रोजन का क्या है वन आपको याद करके रखना है और ऑक्सीजन का क्या है सिक्सटीन फिर क्या करेंगे आप यहां वन से वन को डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे वन बाय वन किए तो वन आ गया और फिर यहाँ एट को सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वन बाय टू और फिर उसके बाद यहाँ जो स्मॉलेस्ट नंबर आया उससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि हाफ से वन को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा टू और हाफ से हाफ को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वन और इस प्रकार से आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया टू इज टू वन इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया टू और ऑक्सीजन क्या हो गया वन तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग रेशियो को निकाल सकते हैं तो आप इसी मेथड का यूज करके अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में सी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकते हैं तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर लेंगे आप देख सकते हैं यह आंसर भी दिया गया था अब नेक्स्ट सेक्शन है व्हाट इज एन आयन आयन क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कम्पाउंड्स कम्पोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज पार्टिकल तो वैसे कंपाउंड जिनमें मेटल पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा नॉन मेटल तो ये चार्ज पार्टिकल के रूप में रहते हैं ये आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे या मैं बोलूं तो आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे ये पार्टिकल चार्ज होते हैं चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है तो यहाँ पर समझाना इसको आसान नहीं है आपको सिर्फ याद कर लेना है कि आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको सिर्फ याद कर लेना है व्हाट इज एन आयन द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस तो आप इसे याद कर ले चार्ज स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं आयंस जैसे कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं सोडियम आयन यहां पे लिख सकते हैं क्लोराइड आयन एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज तो आप देख सकते हैं यह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यह है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसे हम लोग पॉजिटिव आयन कहेंगे इसे हम लोग निगेटिव आयन कहेंगे A negatively charged ion is called anion and positively charged ion a cation. तो आप देख सकते हैं जो negatively charged ion है उसे हम लोग anion कहेंगे और जो positively charged ion है उसे हम लोग cation कहेंगे तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग कटायन कहेंगे तो आप काट दीजिए माइनस करके आप उसको काट देंगे तो प्लस बन जाएगा तो काटने से हम लोग याद रख सकते हैं कटायन निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड अनायन निगेटिवली को हम लोग क्या बोलेंगे अनायन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलेंगे कटायन तो ये सब प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं आयन किसे कहते हैं कटायन किसे कहते हैं अनायन किसे कहते हैं टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल इज कंसिचुएटेडेडेड इट्स कंस्टिचुएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन तो आप देख सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड का मैंने भी यहाँ पर जिक्र किया सोडियम से बनता है सोडियम आयन और ये कैसे बनता है यह आप यहां पर ध्यान ना दें क्योंकि ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा क्लोरीन से क्या बन जाता है क्लोराइड आयन तो जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पास में आएंगे तो आप देखेंगे कि इनके बीच में एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और इससे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पे आयन का फॉर्मेशन हुआ है प्रोसेस तो मैंने नहीं बताया ये सारी बातें आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे और आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो यही जो अट्रैक्शन फोर्स है इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि जब एटम्स आपस में मिलेंगे आयंस आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्ड तो यह भी आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे यहाँ बस आप याद करते जाइए आयस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स तो आयन या तो एक सिंगल एटम हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है इस प्रकार से देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं या फिर सिंगल एटम्स हो सकते हैं आगे और भी वर्णन है दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरियर चार्ज इज नोन एज पॉली आयन तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है पॉली एटोमिक आयन किसे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज आयन तो ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर एक चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पॉली एटोमिक आयन पॉली एटोमिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारे एटम्स होंगे पॉली का मतलब क्या हो गया एक से ज्यादा इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे पॉली एटोमिक आयन तो आप देख सकते हैं यहां पॉली एटोमिक आयन का उदाहरण दिया गया है और इसे आपको याद भी कर लेना है जैसे कि एनएच फोर प्लस तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का चार एटम है और उसके ऊपर एक चार्ज है तो ये हो गया पॉली एटॉमिक आयन यहाँ देख सकते हैं एक है ऑक्सीजन और दूसरा क्या है हाइड्रोजन तो दो एटम्स यहाँ हो गए और इनके ऊपर क्या है माइनस चार्ज है तो ये हो गया पॉली एटॉम और इस पे आए चार्ज हो गया तो ये पॉली एटोमिक आयन हो गया यहाँ भी देख सकते हैं नाइट्रोजन है एक और ऑक्सीजन है थ्री और इसके ऊपर चार्ज है तो ये दोनों के ऊपर कुल मिलाकर चार्ज है ये एच के ऊपर चार्ज नहीं है ये भी आप ध्यान दें तो आप आगे के जैसे क्लासेस में आपको पढ़ना है कि ये चार्ज यहां प्लस क्यों आता है यहां माइनस क्यों लिखा गया है या दोनों पर क्यों नहीं लिखा मतलब ये दोनों पे है सिंगल पे क्यों नहीं है तो ये आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे अब देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम है कार्बन का ऑक्सीजन का और इस प्रकार से इनके ऊपर माइनस चार्ज है तो ये सब के ऊपर ये चार्ज है सिर्फ ओ के ऊपर चार्ज नहीं है ये भी आप ध्यान दें अब देख सकते हैं यहाँ पर सम कॉमन सिंपल एंड पॉलिओटोमिक आयन तो यहाँ देख सकते हैं ये जो आयन्स हैं इनको आपको याद कर लेना जैसे कि सोडियम हो गया तो Na+ पोटेशियम हो गया तो के प्लस सिल्वर हो गया तो ए जी प्लस इस प्रकार से मैग्नीशियम के ऊपर दो प्लस है कैल्शियम के ऊपर दो प्लस है तो इनको आपको याद करना है यदि आप इनको याद करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे और यदि आपको ये याद नहीं है तो एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है तो मैं बताऊंगा आपको इसको किस प्रकार से याद करना है जब हम लोग नोमेंट्लेचर सीखेंगे तब इसका उपयोग हम लोग करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद यह वीडियो साइंस क्लास नाइन चैप्टर थ्री का पार्ट एट है और अब हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग केमिकल फार्मूले किस प्रकार से केमिकल फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूले ये फार्मूला का प्लूरल हो गया द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन जैसे कि मान लीजिए CaO, कैल्शियम कैल्सियम ऑक्साइड H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट तो यह क्या हो गया एक कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किस प्रकार से आपको सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला तो इसे भी आप याद कर लें व्हाट इज केमिकल फार्मूला द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन इसमें क्या क्या मिले हुए हैं इसके क्या क्या कंपोजिशन है उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट जब किया जाएगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड इस प्रकार से लिख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड तो मैग्नीशियम क्या हो गया एम सल्फाइड क्या हो गया एस इसके बाद सोडियम क्लोराइड तो एन इस प्रकार से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं द केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट compounds कैन बी रिटेन easily. तो केमिकल फार्मूला लिखना बहुत ही आसान होता है लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी वही हम लोग पढ़ने वाले हैं वी नीड टू लर्न द सिम्बॉल्स एंड कम्बाइनिंग कैपेसिटीज ऑफ द एलिमेंट तो हम लोगों को सबसे पहले क्या लर्न करना होगा सिम्बॉल और उसके बाद कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट यदि हम लोगों को यह याद हो जाएगा तो फिर बहुत ही आसान है केमिकल फॉर्मूला को लिखना जैसे कि मान लीजिए सोडियम इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी वन होता है यह आपको याद करना है कैल्शियम है इसको याद करना है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यही वह चार्ट है जिसे आपको क्लास नाइन तक याद कर लेना है और आपके पास यदि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का बुक है तो आप ज़्यादा भी याद कर सकते हैं आप देख सकते हैं जैसे कि आपको याद कैसे करना है सोडियम तो सोडियम में आपको सोडियम वन इस प्रकार से याद करना है पोटेशियम वन सिल्वर वन कॉपर वन इस प्रकार से आपको याद कर लेना है मैग्नीशियम टू सल्फर टू यहां पर आप देख सकते हैं सल्फाइड है सल्फर ना बोल के इसको हम लोग सल्फाइड बोलेंगे सल्फाइड टू ऑक्साइड टू आपको टू और वन याद रखना है माइनस प्लस आप कुछ ही दिनों में अपने आप सीख जाएंगे हाइड्रोजन वन हाइड्राइड वन क्लोराइड वन ब्रोमाइड वन आयोडाइड वन आपको वन याद रखना है टू याद रखना है थ्री याद रखना है इस प्रकार से याद रखना है आपको जैसे कार्बोनेट टू सल्फाइट टू सल्फेट टू इस प्रकार से आपको ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है जिसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं वह आपको याद रखना है प्लस माइनस याद करने की कोशिश नहीं करनी है प्लस माइनस आपको स्वयं ही याद हो जाएगा जब आप केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि प्लस कहाँ होता है माइनस कहां होता है लेकिन आपको वन टू जरूर याद रखना है मतलब कि वैलेंसी याद रखना है जैसे आपको पूछा बताइए नाइट्राइड क्या होता है तो आपको एन थ्री यह याद होना चाहिए एन भी याद होना चाहिए थ्री भी याद होना चाहिए जैसे आपको कोई पूछा गया जिंक क्या होता है तो आपको जेड एन टू प्लस याद होना चाहिए यदि यह याद है तो आप केमिकल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं चैप्टर के आगे में केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाया गया है तो वह मैं आप आगे की ओर आपको बताऊंगा द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी तो यहां से भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वैलेंसी किसे कहते हैं तो जो एक एलिमेंट का कंबाइनिंग पावर है या फिर कैपेसिटी है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं इसका वैलेंसी बोलते हैं द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी तो आप देख सकते हैं यहां पर सोडियम का वैलेंसी हम लोगों ने वन याद किया सिल्वर का वैलेंसी वन याद किया इस प्रकार से आपने जो वैलेंसी याद किया है ये इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी है वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड तो वैलेंसी ही वह चीज़ है जो बताता है कि एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से किस प्रकार से कंबाइन करेगा और यह जो बॉन्ड बनाएगा किस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा ये सारी बातें वैलेंसी पर ही निर्भर होती हैं वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कम्बाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड बेसिकली वैलेंसी ही यह बताता है कि किस प्रकार का केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ये सब बातें आप क्लास टेन में सीखेंगे क्लास इलेवन में सीखेंगे वैलेंसी कैसे निकाला जाता है वह अभी भी सीखेंगे इसके आगे के चैप्टर्स में तो अभी तो बस आपको यह याद करना है और थोड़ा बहुत समझना है कोशिश करना है कि थोड़ा बहुत समझ में आते जाए पूरा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट अभी नहीं होगा आप टेंथ तक जाएंगे तब भी यहाँ कॉन्सेप्ट सब क्लियर नहीं होगा जब आप एलेवेंथ में जाएंगे तब आपको एक्चुअली में समझ में आया कि वैलेंसी क्या होता है द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थाट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम तो आपको यहाँ बच्चे की तरह पढ़ाया गया तो वही हम लोग पढ़ते हैं तो वैलेंसी को आप क्या समझ सकते हैं तो वैलेंसी को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह एक एटम का हैंड्स है और आर्म्स हैं जिसके द्वारा वह दूसरे एटम को पकड़ सकता है बस इस प्रकार से समझिए तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि वैलेंसी के द्वारा एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है कंबाइन करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ह्यूमन बींग्स हैव टू आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज एट ह्यूमन बींग के पास कितना आर्म्स होता है टू और ऑक्टोपस के पास कितना होता है एट इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपुल इन सच ए मैनर दैट ऑल द एट आर्म्स ऑफ दैट ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमस आर लॉक्ट हाउ मैनी ह्यूम डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड तो आप देख सकते हैं यदि ऑक्टोपस के पास आठ हाथ है ऑक्टोपस के पास कितना हाथ है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ आठ हाथ है तो ह्यूमन को यदि ये होल्ड करता है तो दो हाथ से होल्ड करेगा तो अदर यहाँ जो पेयर ऑफ हाथ है उसका या पेयर ऑफ आर्म्स है उससे तीन और ह्यूमन को वह पकड़ सकता है तो कुल मिला वह चार ह्यूमन को पकड़ लेगा रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ ओ एंड ह्यूमन विथ एच तो आप इसको ओ से रिप्रेजेंट करें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इसके आर्म है और ह्यूमन को एच से रिप्रेजेंट करें और इसका तो दो आर्म है और ये इस प्रकार से इसको पकड़ रहा है कैन यू राइट अ फॉर्मूला ऑफ दिस कंबिनेशन डू यू गेट ओ एच फोर एज अ फॉर्मूला अब यहां पर तो आपको फॉर्मूला ही लिखना सिखा दिया है तो एन सी आर टी को समझना या समझाने का कोशिश करता है और आप और कंफ्यूज हो जाएंगे द सब्सक्रिप्ट फोर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूम हेल्ड बाय द ऑक्टोपस तो आप देख सकते हैं कि एक ऑक्टोपस चार ह्यूमस को पकड़ के रखा है एक ऑक्टोपस ने कितने ह्यूमन को पकड़ के रखा है चार तो इसलिए इसका फॉर्मूला बता दिया ओ एच फोर तो आप ज्यादा डिटेल में ना जाएं ये तो बहुत ही आसान होता है यहाँ तो और पेचीदा बनाया जा रहा है इसको और धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाएंगे बस आपको याद करना है वह चार्ट यदि वह चार्ट आपको याद हो गया तो आपका लगभग फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं द बेलेंसीज ऑफ सम सिंपल एंड पॉलिटोमिक्स आर गिवेन इन टेबल थ्री वे विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर तो यह बताया गया है कि नेक्स्ट चैप्टर में आप वैलेंसी को पढ़ेंगे लेकिन मेरा विश्वास करिए वैलेंसी आप जब तक क्लास एलेवेंथ में नहीं जाएंगे पूरा आपको समझ में नहीं आएगा तो यही है वह चार्ट जिसे आपको याद कर लेना है अमोनियम अमोनियम क्या हो गया तो याद करना है एन एच फोर और आपको वन याद कर लेना है कि इसका क्या वैलेंसी है वन आपको यह नहीं याद करना है कि प्लस है कि माइनस है उसमें तो आपको और भी यह याद नहीं होगा तो आपको सिर्फ वन टू थ्री यह याद करके चले आपका काम बन जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ कुछ रूल्स दिया गया है तो रूल्स को याद करने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाम लिखना बहुत ही आसान होता है आपको सिर्फ वह चार्ट याद करके रखना है चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस तो वैलेंसी जो है या फिर चार्ज उसको बैलेंस करना होता है वेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल तो आप यह समझ रहे होंगे कि एक कंपाउंड क्या होता है उसमें मेटल का पार्ट नॉन मेटल का पार्ट यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो पीछे के वीडियोस को देखें तो आपको पता चल जाएगा मेटल क्या होता है नॉन मेटल क्या होता है कई बार मैं बता चुका हूं जैसे यहां पर कंपाउंड लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड तो कैल्शियम क्या हो गया एक मेटल है जबकि ऑक्सीजन क्या हो गया नॉन मेटल एन ए क्या है मेटल और सी क्या है नॉन मेटल एफ इस. तो एफ क्या है मेटल एस क्या है नॉन मेटल सी कॉपर क्या है मेटल और ओ क्या है नॉन मेटल तो मेटल और नॉन मेटल को मिला मिला के यहाँ देख रहे हैं आप कंपाउंड बनाया गया है द नेम और सिम्बॉल ऑफ मेटल इज रिटेन फर्स्ट तो सबसे पहले आपको मेटल लिखना होता है और आप देखेंगे कि जब मेटल लिखेंगे तो इसका वैलेंसी प्लस में होता है कैल्शियम का प्लस टू आपने याद किया है क्या एने सोडियम का प्लस वन तो मैं पहले ही बता दिया था कि आपको प्लस टू प्लस वन याद करने की आवश्यकता नहीं है वन टू याद करके रखे काफ़ी है एफ फेरस सल्फाइड है तो आयरन सल्फाइड है फेरस सल्फाइड जो भी बोले इसको आप अलग से याद कर सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या हो गया ये टू हो गया आयरन का थ्री भी होता है तो उसको भी आप याद करें कॉपर का यहां पर देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर टू हो गया कॉपर का वन भी होता है तो इस प्रकार से आप याद करके रख सकते हैं इसे और ऑक्सीजन का टू हो गया क्लोराइड का वन हो गया सल्फाइड का टू हो गया ऑक्साइड का टू हो गया तो वन टू याद करें तो बताएं ये माइनस होगा कि प्लस होगा तो ये सब माइनस होगा इधर से इधर प्लस और इधर क्या हो गया माइनस इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको याद नहीं करना है माइनस और प्लस आपको खुद ही पता चल जाएगा बस आपको वन टू थ्री जो भी है वह याद करके रखना है वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर एंड आर नॉन मेटल्स तो आप देख सकते हैं यहां पर मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने आपको बता दिया इन कंपाउंड्स फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक साइंस द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो तो जब पॉलीएटॉमिक आयन आप लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में आपको रखना है ताकि नंबर इंडिकेट अच्छा से हो जैसे कि एक मैं बता देता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया तो हाइड्रोक्साइड को आपको ब्रैकेट में लिखना है ताकि इसका वैलेंसी को यहां लिखा जा सके तो अब यह फार्मूला कैसे लिखा जाता है वह मैं आपको आगे की सिखा रहा हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद ये वीडियो साइंस क्लास नाइन चैप्टर थ्री का पार्ट नाइन है और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स अब यह सिंपल कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वही हम सीखेंगे तो आप इसके पहले का जो वीडियो उसे जरूर देख लें उसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आ सकता है वाट आर बाइनरी कंपाउंड्स तो सिंपलेस्ट कंपाउंड जो दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाइनरी कंपाउंड जैसे कि एच सी एल हो गया या क्या हो गया दो अलग एलिमेंट के मिलने से बना होता है हाइड्रोजन है क्लोरीन है ये दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से मिलने से बन के मिलने से बना होता है इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे बाइनरी कंपाउंड्स कहेंगे वेलेंसीज ऑफ समय गि पहले के वीडियो में जैसे मैंने सिखाया है आपको किस प्रकार से वैलेंसी को याद करना है वन टू थ्री करके यदि आपने सिम्बॉल और वैलेंसीज याद कर लिया है तो अब हम सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला को बनाया जाता है वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले फोर कंपाउंड वी राइट द कंस्टिचुएंट एलिमेंट्स एंड दियर वैलेंसीज एज सोन बिलो देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द valencies ऑफ द कम्बाइनिंग एटम्स तो आइए अब हम सीखते हैं बड़ा सिंपल सा है कोई इसमें टफ नहीं है बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं जैसे कि सबसे पहला आपका एग्जाम्पल लिख एक दिया गया हाइड्रोजन क्लोराइड तो आपको कुछ नहीं करना है आपको लिख देना हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या लिख देना है क्लोराइड आपने याद करके रखा है हाइड्रोजन का वैलेंसी वन और क्लोराइड का वैलेंसी वन इसको इसके पैर के नीचे लिख देना है और इसको इसके पैर के नीचे लिख देना है तो बन जाएगा एच वन सी एल वन यहाँ पे इसको इसके नीचे रख दिया और इसको इसके नीचे रख दिया तो एच वन सी एल वन लेकिन इसको वन वन हटा के ही हम लोग लिखते हैं तो यह हो गया फार्मूला एच सी एल बहुत ही सिंपल है और मैं बता दे रहा हूँ जैसे कि हाइड्रोजन हो गया तो फिर से हाइड्रोजन लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड मान लीजिए बनाते हैं तो हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन लिखेंगे और सल्फाइड का क्या होता है टू तो हाइड्रोजन का लिख देंगे वन सल्फाइड का क्या लिख देंगे टू इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे तो हो गया एच टू एस ये तो बस सीखने का है लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है सिंबल ऊपर लिख देना है वैलेंसी नीचे लिख देना है और इस प्रकार से आप बना सकते हैं तो यदि आपको वह चार्ट याद है तो आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं और यदि आपने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के वैलेंसी को याद किया है तब तो आप पूरे ही जितने भी फार्मूला होते हैं उन सबको बना सकते हैं फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड आप देख सकते हैं कार्बन और ये क्या हो गया क्लोराइड तो कार्बन का चार और क्लोराइड का वन सी एल को बोलते हैं क्लोरीन और सी एल माइनस को बोलते हैं क्लोराइड यह बात आप ध्यान दें सोडियम एने को बोलते हैं सोडियम एने प्लस को बोलते हैं सोडियम आयन आई को बोलते हैं आयोडीन आई माइनस को बोलेंगे आयोडाइड तो ये बात आप ध्यान रखें अब ये कैसे बनता है ये नेक्स्ट चैप्टर में आप कि क्लोरीन से अब ये क्लोराइड आयन कैसे बनता है आयोडीन से आयोडाइड आयन कैसे बनता है तो कुछ बातें आपको नाइन्थ में भी पढ़नी है जिस प्रकार से आपने देखा द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर सिंपली द होल नंबर रेशियो ऑफ द पॉजिटिव टू नेगेटिव आयन इन द स्ट्रक्चर फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिम्बॉल कटायन एम जी टू प्लस फर्स्ट फॉलोड बाय द सिम्बॉल अनायंस एल माइनस देन देअर चार्जेज आर क्रिस क्रॉस्ड टू गेट द फॉर्मूला तो जैसे आप देख सकते हैं आयोनिक कंपाउंड का यहाँ जिक्र किया गया है तो उसमें भी इसी प्रकार से करना है जैसे कि एक उदाहरण भी दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड तो मैग्नीशियम एम जी क्या हो गया टू और क्लोराइड क्या हो गया वन तो so, आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम का यहाँ टू और क्लोराइड का क्या हो गया यहाँ वन तो इसको इसके नीचे और इसको, इसको इसको नीचे लिख देंगे तो लिख देंगे एम जी वन सी एल टू या फिर क्या लिखेंगे एम जी सी एल टू वन को यहाँ हम लोग लिखते नहीं है तो यही हो गया फार्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया एम जी सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड कैसे हो जाएगा तो कैल्शियम लिख देंगे और क्लोराइड लिख देंगे कैल्शियम का टू और क्लोराइड का क्या हो गया वन तो ये हो जाएगा सी ए सी एल टू इस प्रकार से यदि आपको याद है तो आप फटाफट सब कर सकते हैं और यदि आपको याद नहीं है तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा ये बेस होता है केमिस्ट्री का या फिर बोले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इसे याद करना बहुत ही जरूरी है यदि आप केमिस्ट्री में ये सारी बातें याद नहीं करेंगे तो बहुत वीक होते जाएंगे तो यहां देख सकते हैं इसको एक्सप्लेन भी किया गया है एम जी सी एल टू मैग्नीशियम क्लोराइड दस मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर टू क्लोराइड आयंस आप देख सकते हैं यहां दो क्लोराइड आयंस हैं फॉर ईच मैग्नीशियम मतलब एक मैग्नीशियम आयन पर दो क्लोराइड आयन का यूज हुआ है द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए जैसे कि बता रहा हूँ मैं एम जी पर दो प्लस चार्ज है लेकिन सी एल पर एक माइनस चार्ज है तो यहाँ दो प्लस चार्ज है और यहाँ एक माइनस चार्ज है तो प्लस दो और एक माइनस बैलेंस तो नहीं होगा लेकिन एक और माइनस लगा दिया जाए तब तो ये बैलेंस हो जाएगा तो अब ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या हो गया बैलेंस हो गया इस कारण से आप देख सकते हैं कि एक एम पर दो क्लोराइड आयन है जैसे एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ सोडियम क्लोराइड Na प्लस है और Cl क्या है माइनस तो एक प्लस पर कितना माइनस चार्ज चाहिए एक तो ये सही है कि गलत है हाँ ये सही है क्या इस पर दो क्लोराइड आयन चाहिए नहीं तीन क्लोराइड आयन चाहिए नहीं लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जैसे एल्यूमिनियम हो गया एल्यूमुनियम होता है थ्री प्लस तो अब बताइए क्लोराइड आयन कितना चाहिए एक से बैलेंस होगा क्या नहीं होगा तो दो से होगा नहीं तो फिर तीन से यानी तीन पॉजिटिव आयन है तो इधर तीन निगेटिव आयन होना चाहिए इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ए एल सी एल थ्री एल्यूमुनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला हो गया ए एल सी एल थ्री मतलब एक अल्यूमिनियम पे तीन क्लोराइड आयन होने चाहिए ताकि इसके जो चार्जेस है उसको क्या करे बैलेंस कर सके द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस मस्ट बी बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल तो न्यूट्रल किसे कहते हैं जिसपे ना पॉजिटिव चार्ज हो ना ही निगेटिव चार्ज हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे न्यूट्रल नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्ज ऑन द आय आर नॉट इंडिकेटेड तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला में ये चार्ज हमको नहीं दिखाना है ये न्यूट्रल एटम का हम लोग को सिर्फ एक फार्मूला लिख देना है तो बस आप एक बार चार्ट याद कर ले और फार्मूला लिखना शुरू करें हर फार्मूला आप लिख सकते हैं कुछ और भी आप देख सकते हैं जैसे कि एलमूनियम ऑक्साइड है एलमूनियम ऑक्साइड यहाँ पर तो कैल्शियम ऑक्साइड दिया है एलमुनियम क्या हो गया ए एल और ऑक्साइड क्या हो गया ओ अलमुनियम का क्या होता है तीन और ऑक्साइड का क्या होता है टू तो एल्मोनियम ऑक्साइड लिखने के लिए इसको इसके पैर के नीचे इसको इसके पैर के नीचे लिखेंगे तो ए एल टू ओ थ्री फॉर्मूला हो गया यहां आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कैल्शियम क्या करेंगे और ऑक्साइड लिखेंगे कैल्शियम हो गया टू और ऑक्साइड क्या हो गया टू तो आपको टू और टू याद कर लेना है और ट्रिक ये लगाना है शुरू वाला प्लस कर देंगे और बाद वाला क्या करेंगे माइनस शुरू वाला प्लस और बाद वाला क्या होगा माइनस मैंने आपको पहले ही बताया है शुरू वाला क्या होता है यह होता है मेटल और बाद वाला नॉन मेटल तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है निगेटिव चार्ज तो मैंने जैसे आपको चार्ट में भी बताया है पॉजिटिव और निगेटिव में आपको परेशान नहीं होना है बल्कि आपको करना क्या है टू वन थ्री बस ये आप याद रखें तो आप देख सकते हैं कैल्शियम टू और ये माइनस तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया भी गया है हेयर बैलेंसीज ऑफ टू एलिमेंट्स आर द सेम यहाँ दो, दोनों के बैलेंसेज क्या हैं सेम तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा सी ए टू ओ टू लेकिन ओ टू को हम लोग कैंसिल करके सी ए ओ इसको लिख सकते हैं तो बहुत सारा यहाँ फॉर्मूला बताया भी गया है आप खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं अब यहाँ देख सकते हैं कुछ पॉली एटोमिक आय्स को यूज़ करके फॉर्मूला बनाया गया है जैसे कि पहला है सोडियम नाइट्रेट सोडियम एन ए हो गया वन और नाइट्रेट एन ओ थ्री क्या हो गया वन तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया एन एक और मैं बताता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हो गया हाइड्रोक्साइड क्या हो गया ओ एच सोडियम का वन और ओ OH का भी क्या हो गया वन तो एन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड तो सी का हो गया टू और ओ OH का क्या हो गया वन तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सी ए OH का होल टू इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर ओ OH को हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं और भी मैं बता रहा हूं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं बहुत सारा फॉर्मूला यहां पर भी दिया गया है यहां पर तो आपको नाम लिखने के लिए दिया गया है लेकिन बहुत सारा फॉर्मूला आप बना सकते हैं यहां भी देख सकते हैं नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीए ओ एच का होल्टू कैन नॉट सी एच का इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है ये एच पर टू नहीं है बल्कि ओ एच पर टू है वी यूज ब्रैकेट्स वेन वी हैव टू और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फॉर्मूला हियर द ब्रैकेट अराउंड ओ एच विथ सब्सक्रिप्ट टू इंडिकेट्स दैट देयर आर टू हाइड्रोक्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स तो यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओए को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो आप इसको भी याद कर लें ज्वाइन टू वन कैल्शियम एटम तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ और फॉर्मूला बनाया बताया गया जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है तो एन ए सी ओ थ्री तो सोडियम कार्बोनेट में आप देख सकते हैं सोडियम का क्या होता है वन और कार्बोनेट का होता है टू तो ये इसके नीचे और ये इसके नीचे लिख देंगे तो एन ए टू सी ओ थ्री हो जाएगा अब मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है तो सी ए का होता है टू और कार्बोनेट का होता है टू तो ये टू और टू कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सी ए सी ओ थ्री मान लीजिए एक बने या ना बने एल्यूमिनियम कार्बोनेट मान लीजिए मैं हम लोग बनाते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट तो ए एल सी ओ थ्री एल्यूमोनियम होता है तीन और कार्बोनेट होता है आपका टू तो इस प्रकार से इसको नीचे लिखेंगे तो ए एल टू सी ओ थ्री का होल यहां पर क्या हो जाएगा आपका यहां टू और यहां पर क्या हो जाएगा आपका थ्री तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि यहां तीन को अब लिखना है तो यहां पे आपको ब्रैकेट देना होगा यहां पर देख सकते हैं अमोनियम सल्फेट दिया गया है अमोनियम आपको याद रखना पड़ेगा NH4 फोर यहां पर अच्छा उदाहरण दिया गया है एक अमोनियम जो हम लोगों ने याद किया है एनएच फोर एन एच फोर का क्या होता है वन और सल्फेट एसओ फोर का क्या होता है टू तो आप देख सकते हैं इसका टू है तो टू को लिखना है तो इसके लिए अब इसको ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा तो एन एच फोर का हम लोग क्या लिखेंगे होल टू और एस ओ फोर लेकिन यदि सोडियम सल्फेट होता एन ए सोडियम और सल्फेट एसओ फोर तो एन ए होता है वन और एसओ फोर क्या होता आपका टू एन तो ए टू एस ओ फोर यहां पर आपको ब्रैकेट देने का जरूरी नहीं है मतलब पॉलीएटॉमिक जब आएंगे और वहां पे आपको लगेगा टू है थ्री है तो आपको ब्रैकेट देना है और पॉलीएटॉमिक आयन में भी जब लगेगा कि वन है तो आपको ब्रैकेट नहीं देना है जैसे कि अमोनियम क्लोराइड में बता रहा हूं एन एच फोर का वन और सीएल का क्या होता है वन तो इसको लिखेंगे एन एच फोर सी एल अमोनियम क्लोराइड यहां पर कोई भी ब्रैकेट हम लोगों ने नहीं दिया यदि वन रहेगा तो कोई ब्रैकेट नहीं होगा टू रहेगा तो ब्रैकेट होगा थ्री रहेगा तो भी ब्रैकेट होगा तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे धन्यवाद यह वीडियो साइंस क्लास नाइन चैप्टर थ्री का पार्ट टेन है और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास इन सेक्शन 3.2.2 वी द ऑफ एटॉमिक मास हम लोगों ने एटॉमिक मास पढ़ लिया है दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मोलिकुलर मासेज और अब हम लोगों को मोलिकुलर मासेज पढ़ना है हम लोगों ने यह देख लिया है कि एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द टोटल एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ़ द सब्सटेंस तो यहाँ से आपका एक प्रश्न होगा व्हाट इज मॉलिकुलर मास तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस तो अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जैसे कि पहले के वीडियो में भी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में जरूर आते हैं और यहाँ से भी जो प्रश्न आते हैं न्यूमेरिकल के रूप में वो जरूर ही आते हैं सबसे पहला हमको कैलकुलेट करना होता है मॉलिकुलर तो इसके लिए सबसे पहला जो चीज होता है वह है कि आप एटॉमिक मास को याद कर लें तो यदि आपके पास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है तो वहां देखेंगे आप एटॉमिक मासेस का एक चार्ट मिलेगा तो जितना हो सके आप उसको याद कर लें क्योंकि यदि यह याद नहीं है तो फिर आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने यह पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है एटम्स के द्वारा जैसे कि H2O बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं और ऑक्सीजन के एक एटम हैं तो इसका मोलिकुलर मास यदि आपको निकालना है तो हाइड्रोजन का आप याद कर रख के रखें वन इंटू टू और प्लस ऑक्सीजन का याद कर रख के रखें सिक्सटीन तो टू प्लस क्या हो गया सिक्सटीन ये हो गया एटीन बस बड़ा ही सिंपल है, है। यदि आपको याद है तो बहुत आसानी से आप इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे अब हम लोग यू कहते हैं पहले ए एम यू कहा जाता था अब इसको हम लोग यू कहते हैं आयुपिक के रूल के अनुसार तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है तो अब देखते हैं एग्जाम्पल थ्री पॉइंट वन कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर तो एस टू का यहां पर आप देख सकते हैं वर्ड लिखा है रिलेटिव मोलिकुलर मास या फिर सीधे मोलिकुलर मास भी लिखा हुआ आपको मिलेगा तो आप एस टू कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मैंने क्या बताया आपको एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया वन यू ऑक्सीजन क्या हो गया सिक्सटीन यू हाइड्रोजन यहां पर कितना है टू तो वन इन टू क्या लिख देंगे टू ऑक्सीजन कितना हो गया आपका सिक्सटीन तो टू प्लस सिक्सटीन क्या हो गया आपका एटीन यू आप लगा दें या कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं एटीन यू लिखा है एच एन ओ थ्री बताया गया है एच एन ओ थ्री एच का कितना हो गया वन प्लस नाइट्रोजन का फोर्टीन प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया सिक्सटीन कितना एटम है तीन तो तीन से आपको गुना करना है सबको जोड़ देना है तो आपको हो गया वन प्लस फोरटीन प्लस फोर्टी एट जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा सिक्सटी थ्री यू आपको लिख देना है तो इस प्रकार से एटम मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है और आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आगे देख सकते हैं आप फार्मूला यूनिट मास फार्मूला यूनिट मास कैसे निकाला जाता है तो सबसे पहला तो फार्मूला यूनिट क्या होता है फार्मूला यूनिट आप क्लास एलेवेंथ में सीखेंगे ऐसे में आपको बता देता हूं कि फार्मूला यूनिट होता क्या है अ फार्मूला यूनिट इन केमिस्ट्री इज द इम्पेरिकल फार्मूला तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या यही यह आपको अभी समझ में नहीं आएगा ऑफ एनी आयोनिक और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड कंपाउंड यूजड एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी फॉर स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन इट इज़ द लोएस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयस रिप्रेजेंटेड इन एन आयोनिक कंपाउंड तो ये तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा ऐसे मैंने बता दिया आपको लेकिन मैं आपको सिंपली भाषा में बता देता हूँ कि जैसे आयोनिक कंपाउंड हो गया एन ए सी एल तो बेसिकली ये इस रूप में नहीं रहते हैं और इसे हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला नहीं कहते इसे हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं क्योंकि एन ए सी एल का जो हम लोग एक ए न और एक सी एल को मिला के ये जो कंपाउंड बनाते हैं ऐसा होता नहीं है यह एक नेटवर्क के रूप में होता है यहाँ पर नेटवर्क बनता है आपका आयोनिक और कोवेलेंट नेटवर्क तो इस प्रकार से ये जो नेटवर्क के रूप में रहते हैं इसलिए इनको हम लोग फार्मूला यूनिट के नाम से जानते हैं क्लास एलेवेंथ में आप इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे तो इसका भी मॉलिकुलर मास ठीक वैसे ही निकालना है बस यही बात यहाँ पर बताया गया है आपको कि इसका भी मोलिकुलर मास ठीक वैसे ही हम लोगों को निकालना है द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ ऑफ द द एटॉमिक ऑल एटम्स ऑफ अ फॉर्मुला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड तो फार्मूला यूनिट जैसे मैंने बताया कि एन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फार्मूला यूनिट बोलते हैं मोलिकुलर निकालना है तो ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे कि एक सिंपल कंपाउंड का हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं द फार्मूला यूनिट मास ऑफ अ अबस्टांस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड तो एक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट लिखा गया है उसके जो एटम्स हैं उसका जो एटॉमिक मासेस हैं जैसे कि सोडियम क्या हो गया 23 हो गया और क्लोरीन क्या हो गया आपका 35.5, तो आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.5, तो ये हो गया आपका फार्मूला यूनिट मास बस सिंपल सा है उसी प्रकार से कैलकुलेट करना है बस आपको समझना था यहाँ पर फार्मूला यूनिट क्या कहेंगे अभी तक हम लोगों ने मॉलिकुलर फार्मूला पढ़ा था लेकिन इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं फार्मूला यूनिट मॉलिकुलर फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं फार्मूला यूनिट मास इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मोलिकुलर मास जैसे हम लोग मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं फार्मूला यूनिट मास भी वैसे ही कैलकुलेट करना कोई टेंशन नहीं है आपको बस ये एक नया वर्ड था जो कि आप आगे ज्यादा समझेंगे यहां पर आपको यदि समझ में नहीं आया है तो डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दोचुएंट पार्टिकल आर आय तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है कि फार्मूला यूनिट वर्ड मॉलिकुलर फार्मूला वर्ड हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग वर्ड यूज क्या कर रहे हैं फार्मूला यूनिट तो फार्मूला यूनिट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है ये आप क्वेश्चन एक लिख लें कि फार्मूला यूनिट क्यों यूज किया जाता है तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं तो वहाँ पर हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करते हैं फार्मूला यूनिट फिर से मैं बता दू यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन है जैसे कि एन ए सी एल ये क्या है आयन एन ए प्लस सी एल माइनस एम जी सी एल टू ये क्या हो गया आयन हो गया एम जी सी एल टू ये क्या हो गया आयन हो गया इस प्रकार से लिखेंगे एम जी सी एल टू क्या हो गया आयन हो गया एम जी आयन हो गया एम जी टू प्लस हो गया सी एल माइनस हो गया सी एल माइनस हो गया तो ये तो आयन हो गया तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग फार्मूला यूनिट कहेंगे और तो आप आपको अब आप यह क्लियर हो गया कि जो फार्मूला यूनिट होगा उसमें आयंस होते हैं बस ये आप याद रखें क्वेश्चन भी लिख लें इसका आंसर भी कर लें फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कअ हैज फार्मूला यूनिट एन एस एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इट्स फार्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड तो फार्मूला यूनिट आपको पता है तो मास कैलकुलेट कर दीजिए जब आपने सब याद ही करके रखा है तो क्या प्रॉब्लम है वन इंटू ट्वेंटी थ्री वन इंटू थर्टी तो ये आ गया आपका फिफ्टी एट पॉइंट फाइव यूनिट कैलकुलेट द फॉर्मुला पहचानिए कि सी एस सी एल टू क्या आयनिक है हां सी ए टू प्लस था और क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन दो को मिला तो ये बन गया आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड कहने का क्या मतलब है आयन का यूज हुआ है तो जो कंपाउंड बनेगा वह आयोनिक कंपाउंड बनेगा ये पहले मैं डिस्कस करना थोड़ा भूल गया था कि जब आयंस आपस में मिलेंगे और एक कंपाउंड बनाएगा तो उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड तो कंपाउंड अलग अलग प्रकार से बनते हैं बॉन्ड अलग अलग प्रकार से बनते हैं यह भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे बोलेंगे कि सर सारा चीज तो आगे ही पढ़ना है हाँ बिल्कुल बहुत चीज आगे पढ़ना है यहाँ पर आपको बस एक ग्लांस देखने को मिलता है एक ट्रेलर है ये एटॉमिक मास ऑफ सी ए जैसे कि आप देख सकते हैं सी एस सी एल टू का कैलकुलेट करना है तो 40 हो गया प्लस सी एल टू दो है तो 35.5 फाइव इंटू क्या हो गया टू तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यह फोर्टी हो गया और ये क्या हो गया 71 वन जोड़ेंगे तो क्या हो गया वन 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 यू इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से यहां देख सकते हैं कुछ उदाहरण दिया गया है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग तो आप देख सकते हैं H2 टू है तो वन इंटू टू तो क्या हो गया टू ओ टू है तो सिक्सटीन इंटू टू क्या हो गया थर्टी टू सी एल टू है तो क्या हो गया थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टू तो क्या हो गया सेवेंटी वन इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते हैं सी ओ टू है तो कार्बन क्या हो गया ट्वेल्व प्लस ओ क्या हो गया सिक्सटीन इंटू टू तो क्या हो गया बारह प्लस बत्तीस और ये हो गया आपका फोर्टी फोर यू तो इस प्रकार से आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान होता है प्रॉब्लम आपको यह आएगी कि इसका एटॉमिक मास आपको याद यदि नहीं होता है तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और मैं बता दूं यह भी वी में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर ही यह जानना चाहिए यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं मतलब कि आपको केमिस्ट्री का कुछ भी नॉलेज है तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिए आयन और वैलेंसीज को भी याद कर लें ताकि आप केमिकल फार्मूला को आसानी से बना सकें और एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सिंबल बहुत सारी चीज़ें आपको नाइन्थ क्लास में याद करनी है तो आप याद करते जाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में